बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये देखे जी, आज हमने जाना था स्कूल बड़ी का पता करने, तो सुबह जल्दी उठे हैं तो पता लगा आज सैटरडे है, स्कूल ऑफ है और मेरे बाल बहुत छोटे हो गए हैं। देखें ज़रा, मुझे बहुत दुख लगा हुआ है बालों का। सुबह का मैं बैठी, मैंने आज पोनी की है तो मेरी पोनी बहुत छोटी हो गई है। और ये देखे जी, रेशम सोई हुई है और पड़ी को देखे। और ये कमरे का बहुत बुरा हाल है, जब भी इस कमरे में आती हूँ ना, कमरे की हालत देख देख के ना मेरा ब्लड लो होता है और मैं इस कमरे से भाग जाती हूँ। और आज हम करेंगे कमरे का सफाया। सफाई तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सफाया करेंगे। क्या करेंगे बड़ी? सफाया, सब कुछ हमने इस घर का सफाया मार देना है। क्या कर देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रहा हमारा आज का नाश्ता। आज हमारी चाय को स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज हमने बाइट वाली टीम का वो जो दूध था उसकी चाय बनाई है। उन्होंने ब्रेड भी ला के रखी हुई थी और दो अंडे रखे हुए थे। फिलहाल अभी मैंने उनका सामान नहीं छेड़ा, हमारा आज का राशन पड़ा हुआ था, फिर कल से देखते हैं। कल से देखेंगे कल से हम कहाँ से नाश्ता करते हैं। बाइट वाली टीम से कि अपना मंगाना पड़ेगा। ये हमें सिस्टर दे कर गई थी कल रात को, तो रात को हमने मैंगो खाया था, अनार खाए। और अभी रेशम और पड़ी का पिज़्ज़े वगैरह बंद थे इसलिए कुछ नहीं मंगाया। रात को इन्हें वैसे ही सुलाया है। और रेशम बहुत दुखी होके बैठी हुई है बहुत ज़्यादा। रेशम आप दुनिया का फेस टू फेस मुकाबला नहीं कर सकती ऐसे। और मुझे अपने बालों का बहुत दुख लगा हुआ है घूम फिर के। मेरी पोनी बहुत छोटी हो गई। रेशम कैसे? और रेशम इतनी परेशान ऐसी है जैसे ने कितने लोगों को मैदान में शहीद करके थक गई हुई है। रेशम अभी तो आपका मैदान में पहला दिन है और आपका ये सूरत हाल है, आप बहुत थक गए हो। अभी तो हमने स्टार्ट होना है, हमने फतह या भी हासिल करनी है और सब हमारे साथ है। परी क्या तो परी तो दोनों टीमों में शामिल हो जाती है। परी को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है और रेशम बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। ये देखे रेशम का फेस सुबह का लटका हुआ है और रोने वाली शक्ल बनाई हुई है जैसे पता नहीं फिर क्या होने वाला है। और ये मेरी वीडियो दुबई में भी देखी जाएगी क्योंकि सिस्टर जा चुकी हैं और आज की हमारा पहला दिन है। सिस्टर के बगैर नाश्ता हमारा है और ये भी नाश्ता सिस्टर की देके गई हुई है। आंटी देखो वीडियो में आ गई है, तो डाल दिया। और ये कर रहे हैं हम ज्वेलरी, सही सारी ज्वेलरी मैंने कहा निकाल के, जैसे कर ये नहीं कहा आपको रेशम एक चीज निकाल के खोल के देखो, इतना टाइम नहीं है, इतनी ज्वेलरी है और पहनने के लिए घर में कोई भी नहीं है। ये मैंने अपने कड़े के संभाल के रख दी है, सारी ज्वेलरी ऐसे ही पड़ी हुई है। और ज्वेलरी का हर्षण इस बॉक्स में चीज़ें लगाओ, ये सेट से ही करते लगाओ, इतनी इतनी पुरानी चीज़ें। देखिए इधर भी ज्वेलरी का ढेर लगा हुआ है, इधर भी ढेर है। और ये देखिए ये रही, ये मेरी शादी का सेट है जो अभी तक मैंने संभाल के ही रखा हुआ है। ना ये मेरी जान छोड़ता है, ना मैंने इसको पहना है दोबारा, ये वैसे को वैसे ही है। और ब्लैक भी नहीं हुआ, इसके नग्स बहुत प्यारे थे और ये थोड़े से निकल गए बस। लेकिन मुझे ना ख़त्म हो चुका है मेरा शौक ज्वेलरी वगैरह का, पहले पहना करती थी एक टाइम था, अब तो शादियों में भी दिल नहीं करता पहन के जाने के लिए कहीं पर भी नहीं। और मैंने किया है यहाँ पर थोड़ी सी, ये सारे कलर लगाए हैं और ऊपर कुछ मशीनें लगाई हुई है। और ये वैक्स है मेरी, मैं आपको वैक्स शेयर करूँगी, बहुत अच्छी है। और ये कुछ नीचे कुछ सही की हैं, अब ज्वेलरी नीचे हाली वहाँ पर लगाऊँगी, शीशे साफ करने अभी। और ऊपर सही किया था उस दिन तो ये सूट हाल दिखा, अभी इन्होंने क्या किया अभी उस दिन सफाई किया तो ये हाल किए इन्होंने दोबारा से। अब हाँ जी, वैक्स का मैं बता रही थी आपको, वैक्स वो एक डब्बा मेरा ये नीचे लगा हुआ है, दो डब्बे इन्होंने खोल के ऊपर लगाए हुए कर दिए, फेंके हुए इन्होंने।
शेड़े हैं, मैंने ऊपर से सारी और नीचे रखी हैं, सारी पैलेट ग्लिटर वाली हैं सारी, और नीचे बनानी है मेरे से मैनिका। और हमें क्या टाइम हो गया, लेकिन 2 बज चुके हुए हैं और अब हमें शेड बनानी है। जी बन चुका है मेरे शेक, बर्फ के बगैर पियेंगे रे चा। हाँ जी, और ये मेरे शेक हो चुका है रेडी, और रेशम डाल रही है इसमें माइलो, उसी के बाद उस दिन के बाद माइलो खाएंगे, उस दिन के बाद माइलो हमने खाया ही कोई नहीं, अब हम माइलो इसके ऊपर डाल के खाएंगे पियेंगे। चलो वीडियो लंबी हो गई है, ज़्यादा ना डल जाए ठीक है, फिर टेस्ट ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अच्छा करते करते के चक्कर में टेस्ट। और 5 बज गए हैं, हमने कल का खाना, जबकि सिस्टर गई है, कल का खाना नहीं खाया, और आज मैंने सुबह नाश्ता के लिए चाय थी, तो अब मिल्क शेक पिया, मेरा बीपी लो रहा था, तो अचार और साथ में आलू बॉइल किए हैं, और साथ में लोग कहते हैं हम बाज़ार का बहुत खाते हैं, लेकिन लोगों को कभी असली बात तो हमने बताई ही नहीं। ये बाहर उन्होंने अपना खाना मंगाया बाज़ार से, उन्होंने खा लिया, उन्होंने सुबह नाश्ता भी मंगवाया बाज़ार से, उन्होंने खुद कर लिया था, तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आई, तो बच्चियों को भूख लगी थी, कल का भी हमने खाना नहीं खाया था, तो 5 बज गए, तो मैंने आलू बॉइल करके ले आई। और लो अब मैंने बनाया है चावल, दाल भी नहीं थी सब, तो मैंने हरी चावलों को ही दम लगा लिया है साथ में।